लोकायुक्त की एक सप्ताह में दमोह जिले में बड़ी कार्रवाई, दूसरा अधिकारी भी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। बीएमओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया लोकायुक्त ने गिरफ्तार। नमस्कार, समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के में घूसखोरी का संक्रमण कोरोना से ज्यादा तेज गति से फैलता नजर आ रहा है। दमोह जिले में एक सप्ताह के भीतर दूसरे बड़े अधिकारी को लोकायुक्त पुलिस सागर ने रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया है। रिश्वतखोर डॉक्टर द्वारा एक वाहन के बिल के एवज में 10% रिश्वत की मांग कर डाली और 15,000 रुपए की राशि लेते हुए रंगे हाथों इस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक आजम खान द्वारा अपने RBSK का बिल भुगतान करवाने के लिए जब प्रभारी BMO तेंदुखेड़ा डॉक्टर प्रोमी कोस्टा से निवेदन किया तो उन्होंने 4,00,000 रुपए के बिल का 10% के रूप में मांगा और पहली किस्त के रूप में उन्होंने 15,000 रुपए की मांग की, जिसे 15,000 रुपए जब दिए गए, उनके द्वारा मांगी गई जो राशि थी तो अभी तक ने जैसे ही दी और वैसे ही लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहते हैं आजम खान, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जी, RBSK और कोविड में हमारे 2 वाहन संलग्न है तेंदुखेड़ा में और उनका लगभग 4,00,000 रुपये पेमेंट बकाया था। तो मैं लगातार डॉक्टर कोस्टा हैं जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, उनसे संपर्क कर रहा था, उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर हमारा 4,00,000 का पेमेंट है, आप डीजल पेट्रोल का पैसा दे दूँ, मैं फिर से गाड़ी चालू कर दूँगा, आप पैसा हमारा रिलीज कर दीजिए। और इन्होंने पैसा नहीं रिलीज किया, बार बार पैसों की डिमांड करते रहे। आज मैंने इनको 15,000 रुपया जो इनकी डिमांड थी उनको दिया और लोकायुक्त पुलिस सागर की एक टीम थी जिन्होंने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। और अब हम सुनवाते हैं लोकायुक्त के अधिकारी का क्या कहना है, क्या हुआ है, किस मामले में कार्रवाई की गई है। ऐसा है कि दिनांक 24/1/22 को फरियादी आजम खान दमोह वालों ने एक पुलिस अधीक्षक महोदय सागर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि तेंदुखेड़ा BMO डॉक्टर कोस्टा द्वारा इनकी उषा गौतम मेसर्स कंपनी की 2 गाड़ियाँ कोविड सेंटर के लिए लगी हुई थी, जिनका एक गाड़ी करीब 3 महीने चली जो बिल ना देने से उनको बंद करना पड़ी, एक गाड़ी करीब 6 महीने चली और पैसा ना देने पर मजबूरन उनको गाड़ियाँ बंद करना पड़ी। इस बिल को निकालने के एवज में डॉक्टर द्वारा करीब 10% के हिसाब से पैसे की मांग की जा रही थी, जो पैसा ना देने के एवज में रंगे हाथों पकड़वाने के लिए फरियादी ने पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया। आवेदन प्राप्त करने के बाद हमने उस आवेदन को तस्दीक कराया। तस्दीक पर डॉक्टर द्वारा फर्स्ट बिल निकालने के एवज में 15,000 रुपये की मांग की, जो आज दिनांक को 1 तारीख को पैसे देने की बात तय हुई थी और आज दिनांक को हमने तेंदुखेड़ा पहुंचकर डॉक्टर साहब का पता किया फरियादी ने, जो उपस्थित नहीं मिले। पता लगा कि जवेरा अपने निवास पर पहुंच गए। फरियादी द्वारा संपर्क किया गया तो जवेरा में आज उनके निवास पर पहुंचकर 15,000 रुपए के रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए डॉक्टर प्राणी कोस्टा को रंगे हाथों पकड़ा गया है। लगातार रिश्वतखोरी का जो मामला है वह सामने आ रहा है और एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई दमोह जिले में हुई है। देखते रहिए LNBTV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।